उसके अंदर यहाँ पे आग दबाई जाती है और ऊपर ऊपर फिर क्या बनता है? रोटी बनती है। रोटी बनती। अच्छा, ये मुर्गा रोकने के लिए है। आप कितने पुराने तौर तरीकों से ये गेहूं पीसते हैं, और ये इनका तराजू है, बिल्कुल पेड़ के ऊपर ही लटका रखा है। इसी बग्गी से पास में ही नहर है, ये बिल्कुल वहां नहर है। अच्छा, नहर से ही इस ड्राम के अंदर भर भर के यहाँ डालते हो तो इस स्वागत है दोस्तों एक नई और फ्रेश बेहतरीन वीडियो के अंदर। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान का जो प्योर डेजर्ट है, उस प्योर डेजर्ट के अंदर जो प्योर राजस्थान के डेजर्ट के गांव हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां जहां आपकी नजर जाए देखो, बिल्कुल कच्चे लकड़ियों से बने हुए घर आपको दिखाई देंगे, और जहां जहां आपकी नजर जाएगी आपको देखो रेत ही रेत नजर आएगा। इस पूरे के पूरे रेत के अंदर आपको ये गांव बसा हुआ दिखाई देगा। यही है इस डेजर्ट का, इस राजस्थान गांव का प्योर डेजर्ट विलेज। तो दोस्तों, इस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस प्योर राजस्थानी डेजर्ट जो विलेज है, इनका रहन सहन का तरीका किस तरीके से, इनका लाइफस्टाइल है, क्या ये खाने में खाते हैं, और किन किन परेशानियों का इनका सामना करना पड़ता है, क्या ये इस गांव के अंदर रह के खुश हैं, या फिर हमें ये दिखता है कि ये तो काफ़ी स्वर्ग के अंदर रहने लग रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए ना, हम इन गांव को देखा तो ऐसा फील हुआ कि ये तो स्वर्ग में रहने लग रहे हैं। तो इनके मुंह से ही जानते हैं क्या ये रह के यहाँ पे खुश हैं, या फिर किसी, जैसे कि हम मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, क्या ये वहाँ रह के खुश होते हैं। तो चलिए इनसे बातें करते हैं और रूबरू होते हैं इस गाँव से। तो दोस्तों, इसी गांव के हमें एक नागरिक मिले हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिक है। खालिक है? ये गांव कौन सा है? 655 आरडीए। 655 आरडीए, ये गांव का नाम है? हाँ। कौन सा जिला है? जिला बीकानेर है। जिला बीकानेर, 655 आरडीए, ये इस गांव का नाम है। और इस गांव के हम आपको तौर तरीके बताते हैं कि क्या खास बात है इन गांव की, और किस तरीके से ये अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करते हैं सर। तो दोस्तों, ये बताइए सर, ये क्या चीज़ है? ये तंदूरी है, रोटी बनाने वाली है। अच्छा, रोटी बनाने के लिए है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पे आग दबाई जाती है और ऊपर ऊपर फिर क्या बनता है? रोटी बनती। रोटी बनती, हवा पास के लिए होती है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्या है भैया ये वाली चीज? ये खुडी है मुर्गा ढकने के लिए। अच्छा, ये मुर्गा रोकने के लिए है। आप देख सकते हो इनके मुर्गे, देख सकते हो, जब इन मुर्गों को कैद करना होता है तो ये इस जगह के ऊपर कैद करते हैं। शाम को इसके अंदर भर जाते हैं। अच्छा, शाम को इसके अंदर डाल देते हैं। देखो मुर्गे अभी भी इसके अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। आपने देखा दोस्तों, काफी सारे मुर्गे हैं, ये बिल्कुल देसी मुर्गे है ना ये? देसी देसी। और आप ये भेड़क और दिखा देते हैं। देखो दोस्तों, बिल्कुल आपको चारों तरफ देखोगे रेत ही रेत नजर आएगा, और इनका जो जीवन व्यापन किस तरीके से चलता आपको हम वो चीजें दिखाने लग रहा हूँ। देखो, इन्होंने भेड़ बकरिया पाली हुई है और गायें भी पाली हुई है। गाय भी है आपके पास? गाय है। और गधा भी है? गधे का क्या करते हो सर आप? पानी ले जाने, ले जाने के लिए आप करते हो ना? ठीक है। तो सर्दी और गर्मी आप यहीं रहते हो सारा सारा दिन? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने गेहूं के पीसने की चक्की लगा रखी है, और
आप देख सकते हो कितने पुराने तौर तरीकों से ये गेहूं पीसते हैं। ये है इनकी गेहूं पीसने की आटा चक्की और इन्होंने ये ढक रखी है। देखो ये इनकी चक्की है और इस तरीके से ये चलती है। देखो इन्होंने बिल्कुल ओपन के अंदर ये लगा रखी है चक्की, और ये इनका तराजू है बिल्कुल पेड़ के ऊपर ही लटका रखा है। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ दोस्तों कि जो पास में ही नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, वहां से बग्गी के अंदर ये पानी लेके आते हैं और सारा का सारा जो इन पानी पीने का पानी है वो इसी से लेके आते हैं। पानी पीने का जो है तो आप पानी इस नहर का ही पीते हो? नहर का, ट्यूबवेल भी है, नहर भी है। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो आप इसी बग्गी से, पास में ही नहर है ये, बिल्कुल वहां नहर है, वहां से इस बग्गी के अंदर पानी लेके और फिर अपना जो भी यूज करते हो इसी का यूज करते हो। और फिर ये क्या है भाई? ये टंकी बनाई हुई है पानी के लिए। अच्छा, स्टोर करते हो इसके अंदर? तो ये टंकी बनाई हुई, देखो जमीन के नीचे खड्डा खोद के ये टंकी बनाई हुई है, ये देख सकते हो दोस्तों। तो पानी इसमें कहाँ से आता है? नहर से। नहर से ले रहे हैं। अच्छा, नहर से ही इस ड्राम के अंदर भर भर के यहाँ डालते हो? तो इस नहर से ड्राम में भर भर के इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर जब भी इनको यूज करना होता है तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके घर हैं, ये इनके घर देख सकते हो, बिल्कुल कच्चे घर हैं, लकड़ियों से बनाए हुए घर है। सारे के सारे इस गांव के अंदर जितने भी घर हैं सारे के सारे कच्चे और लकड़ियों से बनाए हुए घर हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ना इन्होंने बत्तख भी पाली हुई हैं, और मैंने पूछा क्यों पाली हुई बत्तख? शौक के लिए पाली हुई है। तो सर मेरे को ये बताइए, आपका जो आप अपना घर चलता है वो किस कारण चलता है आपका घर? खेती बाड़ी से। तो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हो आप? बरानी खेती करते हैं, गुआरा गुरा करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बरानी खेती करते हो? बरानी गुआरा। तो सर मेरे को ये बताइए, आपका जो जीवन यापन होता है, मतलब आपका जो जीवन चलता है वो किस तरीके से चलता है? मतलब पैसे आप कहाँ से लेके आते हो? पैसे धन माल है खेती बाड़ी से। मतलब बरानी खेती करते हो आप? बरानी खेती का मतलब बताइए क्या होता है? गुआर होता है उसमें। मतलब आप यहाँ पे जो ये डेजर्ट है इसके अंदर वैसे ही बीज वगैरह डाल देते हो और बरसात होती है तो उससे जो भी हो जाता है वही आप निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं बरानी खेती। तो उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो सारा का सारा? थोड़ा बहुत जो आपके पास पशु है उसके ऊपर डिपेंडेंट? भेड़ बकरी है, गाय का दूध है, ऐसे। देखो गाय का दूध है, भेड़ बकरी है, या फिर जो बरानी खेती में जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इस रेत के अंदर ये वैसे बीज डाल देते हैं और बरसात अगर होती है तो उससे जो कुछ हो जाता है उससे ये जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इनकी आपको दिखाते हैं, ये बत्तख दिखाते हैं। काफी सुंदर गांव है। अच्छा मेरे को आप एक बात और बताइए, क्या आपको, देखिए हम शहरों के अंदर रहते हैं, शहरों के अंदर रहना ज्यादा आपको अच्छा लगता है यहाँ रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ की फीलिंग ही अलग है, है ना? वहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता सर आपको? हमारे यहाँ पे खुले रेत के अंदर सो रहे रहते हैं। अच्छा, नहीं मतलब जैसे कि किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता आपको यहाँ पे? तकलीफ किसकी चीज का, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता आपको यहाँ पे? सामना बहुत चीज का होता है, क्या क्या जंग हो जाता है, जैसे जंग? हाँ जी, किससे जंग हो जाता है? यात्रियों में कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है उससे। अच्छा, यात्रियों से? अच्छा, और यात्री को लड़ाई करते हैं सर? जैसे कि हम भी यात्री हैं, हम तो आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं, तुम तो कैसे करोगे हमसे? नहीं फिर वही है ना, तो क्यों, कौन से यात्री करते हैं ऐसे आपसे लड़ाई? तो ऐसे बोलचाल हो जाती है, बैठे हैं। अच्छा अच्छा, और कौन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता आपको बताओगे जरा? किस चीज का? रेत वगैरह ज्यादा उठता है तो अंधकार अंधकार ये अब महीने से बाद में रेत चला। और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से एंजॉय कर रहे हो आप? आराम से। तो देखो यार, इनको ये बोल रहे हैं कि इनको यही जीवन और यहाँ का एरिया ही ज्यादा पसंद है शहर की बजाय, तो ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इस एरिया के, इस गाँव की कोई भी रीस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो चीज
आप देख रहे हो वीडियो के थ्रू, जन्नत से बिल्कुल कम नहीं है। पास में ही इंदिरा गांधी नहर है और ये जबरदस्त डेजर्ट के ऊपर बना हुआ गांव।